आप लोगों ने हाल ही में एक खबर सुनी होगी कि जो हमारे थर्मल स्टेशन है जहां हम लोग बिजली उत्पादन करते हैं उत्पन्न करते हैं, तो यहाँ कोयले की भारी कमी देखी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा था कि कुछ ही दिनों का कोयला बचा हुआ है। और हाल ही में आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि चाइना में भी भारी कमी देखी गई बिजली की, लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ी। और आज के समय में आप खुद सोच के देखिए, क्या बिजली के बिना हमारे जीवन कितना संभव बना पाएंगे हम लोग? अगर मान लीजिए कल से हमारे देश में भी बिजली की भारी कमी या किल्लत देखी गई, तो क्या हाल होगा हमारा? आज तो आप देखिए, आपको सबसे पहले तो मोबाइल के लिए चार्जिंग ही चाहिए, बिना बिजली के बाद तो आप लोग चार्ज कर नहीं पाएंगे। और आप लोग देखते हैं कि आपको रोशनी में रहने की आदत पड़ चुकी है, टीवी सोशल मीडिया जो भी आप लोग चला रहे हैं, बिजली के बिना संभव है क्या? और एक और बात है, इसलिए आप देख रहे हैं कि जब से हमारी नई सरकार आई हुई है, नवीकरणीय ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दे रही है। क्योंकि अभी आप देखेंगे जो बिजली हमारे देश में उत्पन्न होती है उसमें से अधिकतर आपकी कोयला के द्वारा ही उत्पन्न की जाती है, कोयला से ही बनाई जाती है। अब हम लोग नई नवीकरणीय ऊर्जा या बिजली की तरफ ध्यान दे रहे हैं, जिसमें आप देखिए सूर्य से ऊर्जा बनाना, पानी से, हवा से बिजली उत्पन्न करना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक सूर्य भगवान रहेंगे, जब तक हवा रहेगी, जब तक पानी रहेगी, तब तक हमारा जीवन रहेगा। और आप देखिए, अगर इनसे हम लोग अच्छी खासी मात्रा में बिजली उत्पन्न करने लगते हैं तो एक लंबे समय तक हम लोग आराम से चलते रहेंगे, समझ रहे हैं? और हमारा हमारी जो भी आपूर्ति होगी ऊर्जा की, वो भी हम लोग पूरी कर सकेंगे। तो देख लीजिए, आपका चाइना है आपका पड़ोसी, ये हमारा प्यारा भारत है। अपने पड़ोसियों को देखना चाहते हैं तो श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, ये सभी हमारे पड़ोसी हैं। तो भारत की ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल पावर प्लांट कोयले की भारी कमी का सामना कर रहे हैं। और क्योंकि थर्मल स्टेशनों की बढ़ती संख्या के कारण कोयले का स्टॉक कम होता जा रहा है या मांग बढ़ती जा रही है। बिजली की मांग में अगर वृद्धि की बात करें तो आपूर्ति संबंधी मुद्दों के साथ युग्मित कोविड-19 महामारी ने से उभरने वाली अर्थव्यवस्थाओं ने मौजूदा कोयले की कमी को जन्म दिया है। आप देखिए, सब कुछ अभी ठप पड़ा हुआ था, एकाएक आप देखते हैं कि सब चालू हो जाते हैं, तो इससे क्या होगा कि मांग बढ़ जाती है और उत्पादन कम हो रहा था। और मांग बढ़ेगी, उत्पादन कम रहेगा, तो आप देखिए कमी तो देखने को मिलेगी। भारत बिजली की मांग में तेज उछाल, घरेलू खदान उत्पादन पर दबाव और समुद्री कोयले की बढ़ती कीमतों के प्रभाव से परेशान है। ताप विद्युत संयंत्रों का बड़ा हुआ हिस्सा कोयले से चलने वाले थर्मल पावर प्लांटों ने भी मांग में वृद्धि के उच्च अनुपात की आपूर्ति की है, जिससे भारत की ऊर्जा मिश्रण में थर्मल पावर की हिस्सेदारी वर्ष 2019 के 61.9 से बढ़कर 66.4% हो गई है। यानी कि पिछले समय से आप देखेंगे अभी बढ़ती दिखाई दे रही है। बाढ़ और वर्षा, अप्रैल जून की अवधि में ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा सामान्य से कम स्टॉक संचयन और अगस्त सितंबर में कोयला संबंधी क्षेत्रों में लगातार बारिश के कारण उत्पादन कम हो रहा है, और जिसकी वजह से आप देखेंगे कोयला खदानों में से कोयला कम निकाला जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे बरसात वहां हो जाती है, तो आप सभी जानते हैं कि कोयला जहां से निकलता है वहां निकालने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है हमें, ठीक है? और एक तो बात है आयात में कमी, आयात का मतलब होता है कि बाहर से हम लोग खरीदने कम खरीद पा रहे हैं। कोयले की उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के साथ साथ आयात कम करने के लिए उठाए गए कदमों के कारण भी संयंत्रों ने आयात में कटौती की है। और आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब एक तरह से इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो आप देखिए उसका आयात कम हो जाएगा। इसका एक और प्रभाव देख सकते हैं आप, यदि उद्योगों की बिजली की कमी का सामना करना पड़ता है तो इससे भारत के आर्थिक क्षेत्र की बहाली में भी देरी हो सकती है। क्योंकि आप देखिए, अगर बिजली की समस्या आपके उद्योग धंधों में पड़ती है तो उसे आप देखेंगे आपके उद्योग धंधों पर भी असर पड़ने को देखने को मिल सकता है। और देश की आर्थिक जो क्षेत्र हैं इनमें भी कमी, आप देखिए इनकी प्रगति में, इनके विकास में आप कह सकते हैं कमी आपको देखने को मिल सकती है। कुछ व्यवसाय उत्पादन को कम कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचिए जितनी आपको ऊर्जा की जरूरत है उतनी अगर नहीं मिल पाती है तो आप देखेंगे आपके जो भी व्यवसाय है उसका उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा।
ठीक है। भारत की आबादी और अविकसित ऊर्जा बुनियादी ढांचे के कारण लंबी अवधि तक गंभीर बिजली संकट की स्थिति रह सकती है। और एक बात आपको बता दूं, आप सभी लोग इस बात को जानते भी होंगे कि जो आपका कोयला है इसे बनने में हजारों साल लगते हैं, लेकिन आप देखिए इनका अगर आपको यूज करना है, उपयोग करना है, तो कुछ ही समय में आप देख सकते हैं इनका उपयोग हो जाता है, जितना कोयला आप लोग सालों हजारों सालों में उत्पन्न होता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आपकी सरकार भी आप देखिए इस ओर देख रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि कमी जरूर एक दिन देखने को मिलेगी, क्योंकि कोयला जिस दिन कम होगा उस दिन आप देखेंगे ऊर्जा में भी हमें समस्या हो सकती है। अब क्या कदम उठाए जा सकने वाले कदम है, कौन से कदम उठा सकते हैं कि इस समस्या का समाधान हो सके? तो सबसे पहले आप लोग कह सकते हैं कि खनन को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि आपके कहने का मतलब इनका है कि कोयला के खनन को बढ़ावा दे सकते हैं, यानी कि इसका और खनन किया जाए। सरकार स्टॉक की बारीकी से निगरानी का कार्य कर रही है और राज्य द्वारा संचालित कोल इंडिया और NTPC की आपूर्ति बढ़ाने हेतु खदानों से उत्पादन में वृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। आपूर्ति नियंत्रण, भारत में घरेलू बिजली आपूर्ति की राशनिंग विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों हेतु सबसे आसान समाधानों में से एक के रूप में उभर सकती है, और भारतीय बिजली वितरक आमतौर पर कुछ क्षेत्रों में तब आपूर्ति में कटौती करते हैं जब उत्पादन मांग से कम होता है, और यदि आगे भी यही स्थिति रहती है तो बिजली की कटौती में विस्तार पर विचार किया जाएगा। फिर एक आयात बढ़ाना, यानी कि कोयले का और आयात करना, भारत को वित्तीय लागत के बावजूद अपने आयात को बढ़ाना होगा। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया से जहां कीमत मार्च के $60 प्रति टन से बढ़कर सितंबर में 200 प्रति टन हो गई है। आप देखिए बिजली से हम लोगों को किसी भी तरह से संकट से इससे बाहर निकलना है, अब इसके लिए आयात बढ़ाया जाए या खनन बढ़ाया जाए कोई तो उपाय हमें अपनाना होगा। इसमें आप देख सकते हैं जल विद्युत उत्पादन, यही वही मानसून की बारिश से कोयला खदानों में बाढ़ आ गई है जिससे जल विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलने की संभावना है, यानी कि आप देखिए इस क्षेत्र में हम कमी हो देखने को मिल रही है तो दूसरे क्षेत्र में हम लोग विद्युत का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। बांधों पर बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कोयले के बाद भारत के प्रमुख बिजली स्रोत हैं, और यह क्षेत्र बारिश के मौसम में अपने चरम पर होता है जो आमतौर पर जून से अक्टूबर तक होता है। और फिर आप देखेंगे प्राकृतिक गैस चलित जनरेटर की तरफ रोक, और वर्तमान में वैश्विक कीमतों में वृद्धि के बावजूद प्राकृतिक गैस की बड़ी भूमिका हो सकती है, और एक निराशाजनक स्थिति में गैस से चलने वाला बेड़ा किसी भी व्यापक बिजली आउटेज को रोकने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए राज्य द्वारा संचालित जनरेटर NTPC लिमिटेड जैसी आवश्यकता पड़ने पर लगभग 30 मिनट में चालू किया जा सकता है, और यह गैस ग्रेड से जुड़ा होता है। और एक बात और आपको बता दूं, देखिए कच्चा तेल हो या गैस हो इनका अधिकतर हम लोग आयात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में इनका इतना उत्पादन नहीं होता है या इतनी गैस या तेल नहीं निकाला जाता है कि हम अपनी आपूर्ति पूरी कर सकें, और इसीलिए आप देखते हैं खाड़ी देशों से हम लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में आप देखते हैं हम लोग कच्चा तेल खरीदते हैं, अपनी आपूर्ति का 80-85% तक भी हम लोग कच्चा तेल आयात करते हैं। ठीक है, कोयले की बात करें तो यह सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, कौन सा, कोयला, और इसका उपयोग आप देखेंगे घरेलू ईंधन के रूप में लोहा इस्पात भाप इंजन जैसे उद्योगों में और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। कोयले से उत्पन्न बिजली को थर्मल पावर कहते हैं, क्या कहते हैं, थर्मल पावर। आज हम जिस कोयले का उपयोग कर रहे हैं वह लाखों साल पहले बना था, और जब विशाल फर्ण और दलदल पृथ्वी की परतों के नीचे दब गए थे, और इसलिए कोयले को बरीड सनसाइन भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम भी याद रखिए, हो सकता है कि आपसे परीक्षा में पूछ ले। अगर आपसे दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों के बारे में बात करें तो पहले नंबर पर चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत शामिल है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे दुनिया के प्रमुख कोयला उत्पादक देश कौन कौन से, चाइना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्रों में झारखंड में आप सुनने सुना होगा रानीगंज, झरिया, धनबाद, बुकारो आपके शामिल हैं। कोयले को भी चार रैंकों में वर्गीकृत किया गया है, एंथेसाइट, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस और लिग्नाइट, और यह रैंकिंग कोयले में मौजूद कार्बन के प्रकार व मात्रा और कोयले की ऊष्मा ऊर्जा की मात्रा पर निर्भर करती है, और इन्हीं आधारों पर इन्हें हम लोग चार भागों में बांटते हैं।
तो ये कहानी है पूरे कोयले की, जिस तरह से आप देख रहे हैं कमी देखी जा रही है और इससे बिजली में भी कमी देखी जा रही है, और कोयले की मुझे लगता है कि एक सामान्य खाका हमने खींच दिया है। अगर इससे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए तो आराम से आप लोग उनके आंसर भी दे पाएंगे, और मुझे लगता है कि भारत में आप लोग रह रहे हैं तो इस तरह के टॉपिक के बारे में आपको मालूम भी होना चाहिए। ठीक है,